मिडिल लेग की बॉल पे क्यों हमारा बैट घूम जाता है एंड ना चाह के भी क्यों बॉल हमारे पैड्स पे लग जाती है, तो आज के वीडियो में इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो आपके आदत इम्प्रूव करने के लिए, आपके मसल मेमोरी के लिए। आप में से बहुत ऐसे प्लेयर्स होंगे जो मिडिल या लेग स्टंप बॉल को फ्लिक करने जाते हैं। अब इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो आप इसको खुद ही उस डायरेक्शन में खेलने जा रहे हो, और या फिर जब बॉल उस लाइन पे आती है तो आपका बैट खुद ही उस तरफ चल जाता है। इसका ये रीज़न है कि आपका हेड पीछे रह जाता है और ऑफ साइड की तरफ गिरता है। सो इसको ठीक करने के लिए भी आपको दो चीज़ करनी पड़ेगी। बैट और बॉल के इम्पैक्ट के टाइम पे आपका हेड बॉडी से आगे होना चाहिए एंड ट्राई एंड प्ले स्ट्रेटर यूजिंग द फुल फेस ऑफ द बैट। देयर विल बी टाइम्स जब बॉल लेग साइड के बाहर होगी और आपको सीधा खेलने में ऑकवर्ड लगेगा, बॉल आपके पैड्स पे भी लगेगी, ठीक से टाइम भी नहीं होंगी। बट जैसे मैंने वीडियो में पहले बोला, ये आदत इम्प्रूव करने की बात है। जब आपके मसल मेमोरी में ये स्किल आ जाएगी, आप ऑटोमेटिकली लूज बॉल्स को भी पनिश करने लग जाओगे। यहाँ भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि He has much more control of his shots and his head is more on top of the ball when he's playing it straighter. Another example of a left-handed batsman. Again, ball middle leg pe hai, but at the point of impact, aap dekh sakte hain, bat is straight, head position is perfect. This is Surya Kumar Yadav. Inko bhi aap agar dekhenge, to ye sare type ke shots maarte zarur hain. But here again, it's a risk-free shot. Aap full face of the bat show kar rahe ho. If you see here, ball is on middle leg stump. He knows he's covering all the stumps, so there is a risk of ball hitting the pad. तो वो बिल्कुल सीधे बैट से खेल रहे हैं। So there's minimum risk with maximum result.